ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। निवेशक कोविड 19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर का अंदाजा लगाते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि 2021 में सोने में ग्लोबल मार्केट में 3.6% की गिरावट देखने को मिली है, जो 2015 के बाद की इसकी सबसे बड़ी सालाना गिरावट है। सेंट्रल बैंक धीरे धीरे कोरोना महामारी के दौरान उठाए गए राहत के कदमों को अब महंगाई से निपटने के लिए पीछे खींचते नजर आ रहे हैं, जिसका असर सोने की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बावजूद ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण होने वाली मौतों और हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या तुलनात्मक तौर पर कम है, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम देशों में व्यापक लॉकडाउन जैसे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। 2 सालों के शानदार रिटर्न के बाद साल 2021 में सोने ने दूसरे एसेट क्लास की तुलना में कमजोर प्रदर्शन किया है। कोविड 19 से जुड़ी परेशानियों के चलते 2020 में सोने ने ऑल टाइम हाई छुआ था। कोरोना की स्थिति में सुधार आने के साथ सामान्य कारोबारी गतिविधियां शुरू होने और दुनिया के तमाम देशों द्वारा लॉकडाउन हटने के साथ ही सोने की कीमतों में गिरावट आती दिखी। स्थितियों में सुधार के साथ ही सोने से निकलकर पैसे का फ्लो इक्विटी में जाता दिखा, जिसकी वजह से सोने की कीमतों पर दबाव आया है। निम्न ब्याज दर के दौर में सोना आकर्षक निवेश विकल्प बन जाता है। अब जैसे जैसे ब्याज दरों में बढ़ोतरी नजर आएगी, वैसे वैसे सोने पर दबाव बढ़ता नजर आएगा। 2022 में सोने की दशा और दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि ब्याज दरों की स्थिति क्या रहती है, महंगाई किस स्तर पर रहती है और कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए दुनिया की सरकारें कितनी कामयाब रहती हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।